टिकट होने पर भी यात्री नहीं कर सके ट्रेन में यात्रा। इटावा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा से कालका जा रही कालका एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक परिवार को ट्रेन से उतार दिया गया। दरअसल यह परिवार गया से खिलाड़ी बिंदा के रहने वाले सीताराम प्रसाद, जो कि अपनी पत्नी बेबी और बच्चे शिवम के साथ में गया से चंडीगढ़ जा रहे थे। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के चलते जनरल कोच की जगह स्लीपर कोच में चढ़ गए, जहां पर टीटी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन ट्रेन में तैनात एस्क्वाड पुलिस कर्मियों ने पति पत्नी और बच्चे को ट्रेन से इटावा रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। परिवार के सामने से ट्रेन जाते समय पति फूट फूट कर रोया। मामला संज्ञान में आने के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और उस परिवार को चंडीगढ़ भिजवाने के प्रयास में जुटी। क्या नाम है आपका? बेबी देवी। क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, हम बोले आया वो लड़का खा लिया, ऐसे बोला भाई बाप होते हैं सभी, बस इतना ही में वो आया मार दिया एक थप्पड़। कहता है हम चला गए फिर अपना पति था कि हमारे ये है वाला वाला है। किसने किसने मारा? ये वो लेडीज ने मारी। और क्या किस लिए? किस लिए मारी वो सोचिएगी। अब आपके पास टिकट नहीं थी क्या? हाँ टिकट दे रहे थे ना। टिकट दिखाओ। कौन सी गाड़ी में आई थी आप? कौन सी गाड़ी में आई थी? कौन सी गाड़ी? तो हावड़ा कालका। कहाँ से बैठी थी? गया से। और कहाँ जा रही थी? अति चंडीगढ़। सीताराम प्रसाद। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कौन सी ट्रेन में थे? गया से चंडीगढ़ जा रहे थे कालका हावड़ा एक्सप्रेस है। हमने टिकट कटाया जनरल का, एसी वाला बोगी में बैठे थे। उसने पुलिस आया टीटी भी चेक किया, बोला बेटा तू बैठे रहो आराम से यहीं पर ही। अब इन लोग में औरत लेडीज में क्या हुआ से मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हमको अभी आया। हालांकि वहाँ सोनीपत में पुलिस से मेरे को बोला कि यहीं पर बैठे रहो। अभी कैसे कैसे इसको हुआ तो हमको दो झपड़ा मार के सामान हमारा फेंक दिया, बैग दोनों बैग बाहर में पुलिस ने मारा। बोला ज़्यादा बोले हुए थे मार के फेंक दूंगा। अब जाऊंगा किसी दूसरा ट्रेन से जाऊंगा। जी टिकट है। कहाँ है?